प्रोग्रामर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था कि पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं और फंक्शन में आर्गुमेंट क्या होते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे और आर्गुमेंट्स को कैसे पास करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है बेसिकली डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। फाइन, तो आइए देखते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स जो है उन्हें हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू भी बोलते हैं। सो आइए इसका कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं। पाइथन अलाउज अस टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर्स। कल हमने देखा था बेसिकली जब फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो उसके ब्रैकेट में जो वेरिएबल लेते हैं वो पैरामीटर कहलाते हैं, एंड कॉल करते टाइम पर हम क्या करते हैं, उन पैरामीटर के लिए कुछ वैल्यू पास करते हैं जिसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली कल हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने जो पैरामीटर बनाए थे उनके लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी थी, कॉल करते टाइम पर ही हमें वैल्यू पास करनी थी। लेकिन पाइथन में ऐसा पॉसिबल है कि जब हम पैरामीटर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू हम दे दें, दैट मीन्स फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे हैं तो जो पैरामीटर बनाया है उसी टाइम पर उसमें कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दें। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट पास आर्ग्यूमेंट फॉर दैट पैरामीटर। अब अगर कॉल करते टाइम पर हमने उस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो होगा क्या, उस फंक्शन के अंदर उस पैरामीटर की जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने डिफाइन करी थी वो यूज में आ जाएगी। इफ ए फंक्शन डिफाइंस डिफॉल्ट वैल्यू फॉर सम ऑफ इट्स पैरामीटर्स देन दोज पैरामीटर मस्ट अपीयर ऑन राइट मोस्ट साइड इन द डेफिनेशन। देखिए अगर आपने सपोज एट एक्स सम नाम का फंक्शन बनाया जिसमें तीन पैरामीटर है एक्स वाई जेड, अब आप चाहते हो कि मुझे किसी दो पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो वो जो दो पैरामीटर होंगे वो राइट मोस्ट होने चाहिए। दैट मींस अगर फर्स्ट पैरामीटर है एक्स, सेकंड है वाई, थर्ड है जेड, अगर दो को आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो हमेशा वाई और जेड ही होंगे, मतलब सेकंड और थर्ड पैरामीटर ही होगा। इसी तरह सपोज पांच आर्ग्यूमेंट है किसी फंक्शन में, आपको किसी तीन को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो पैरामीटर होगा वो ही डिफॉल्ट वैल्यू वाला हो पाएगा। उसके अलावा जैसे सपोज आपने सम में तीन आर्ग्यूमेंट थे, पहले और तीसरे को डिफॉल्ट वैल्यू देने की कोशिश करी लेकिन सेकंड को नहीं दी तो वो क्या होगी, आपकी एरर होगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी आर डिफाइन ए फंक्शन ग्रीटिंग व्हिच हैव पैरामीटर नेम हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू भारत। नीचे एग्जांपल में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे ग्रीटिंग, एंड इसके अंदर एक पैरामीटर नेम जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दे रखी है, भारत। ठीक है, इफ वी कॉल द फंक्शन ग्रीटिंग विदाउट पासिंग आर्ग्यूमेंट देन इट यूजेस डिफॉल्ट वैल्यू भारत फॉर पैरामीटर नेम। हाँ, तो अगर हमने इस फंक्शन को कॉल करते टाइम पर कोई वैल्यू पास नहीं करी तो जो नेम वाला पैरामीटर है उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी काम में आ जाएगी, भारत। ठीक है, तो ये हमने ग्रीटिंग फंक्शन डिफाइन किया जिसमें नेम पैरामीटर है उसकी वैल्यू हमने क्या रख रखी है, भारत, और इसकी डेफिनेशन में हमने प्रिंट करा दिया हेलो डियर कॉमा नेम करके। अब सपोज मैंने ग्रीटिंग को कॉल किया, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया तो नेम जो पैरामीटर है उसकी डिफॉल्ट, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो नेम की डिफॉल्ट वैल्यू यूज में आ जाएगी भारत, तो ये प्रिंट करेगा प्रिंट्स हेलो डियर भारत। अगर सपोज ग्रीटिंग को मैंने कॉल किया एंड कॉल करते टाइम पे मैंने खुशहाल पास किया तो नेम के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो हट जाएगी वहां से, उसकी जगह नेम में वैल्यू आकर के स्टोर होगी खुशहाल। ठीक है ना, एंड ये प्रिंट कर देगा इस बार हेलो डियर खुशहाल। आइए इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं हम लोग। सो यहां हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ग्रीटिंग, नेम एक पैरामीटर रखा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने रख दी है भारत, एंड यहां हमने प्रिंट करा दिया हेलो डियर कॉमा नेम। ठीक है, ग्रीटिंग कॉल किया हमने, सेव कर देते हैं, अभी कोई आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया है तो नेम की डिफॉल्ट वैल्यू काम आ जाएगी हेलो डियर भारत प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी सपोज मैंने ग्रीटिंग कॉल किया एंड इसमें वैल्यू पास कर दी मैंने खुशहाल। ठीक है, और फर्स्ट कॉल के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करी तो फर्स्ट कॉल के लिए फंक्शन प्रिंट करेगा हेलो डियर भारत, एंड सेकंड कॉल के लिए प्रिंट करेगा हेलो डियर खुशहाल। ठीक है, हेलो डियर भारत एंड हेलो डियर खुशहाल, यानी दो चीजें यहाँ पे क्लियर होती है,
कि डिफॉल्ट वैल्यू कब काम आएगी पैरामीटर की, जब हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तब, और अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया है तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू काम में नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैंने एक चीज बताई थी कि अगर यहाँ अपन थ्योरी में देखते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, अगर एक फंक्शन केवल कुछ पैरामीटर्स के लिए डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है तो वो पैरामीटर राइट मोस्ट साइड में अपीयर होने चाहिए डेफिनेशन में। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया सम नाम से, ठीक है, जिसमें हम ए बी और सी तीन पैरामीटर रख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दो ही पैरामीटर की वैल्यू हमें डिफॉल्ट रखनी है, ठीक है ना। यहां हम इसको डी को प्रिंट करा देते हैं एक बार। तो जो दो पैरामीटर होंगे वो क्या होंगे हमारे, बी और सी होंगे, जिनको हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने बी को दे दी 10, सी को दे दी मैंने 20। अब देखिए सम को जब मैं कॉल कर रहा हूं, चूंकि दो पैरामीटर को हमने डिफॉल्ट दिए, एक को नहीं दिए डिफॉल्ट वैल्यू, है ना, तो ये ए जो है ए यहां पे कहलाएगा अपना रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। दैट मीन्स इसके लिए हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अभी हमने इसकी कोई वैल्यू पास नहीं करी है तो यहां पे ये एरर देगा। देखिए मैं इसको रन कराता हूं, एरर आई, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए, यानी ए की वैल्यू हमने पास नहीं करी है, जबकि ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट था तो इसकी वैल्यू पास करनी जरूरी है। अभी मैंने क्या किया, यहां पे मैंने पास किया 5, तो यहां पे ए की जो वैल्यू है ए कितना हो जाएगा 5, बी की डिफॉल्ट वैल्यू काम में आएगी 10, सी की डिफॉल्ट वैल्यू काम में आएगी 20, तो डी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 5 + 10 15, 15 और 20 हो जाएगा हमारा 35। प्रिंट करा दिया हमने डी को, ठीक है फाइन, 35 आ गया रिजल्ट। अभी सपोज यहां पे हमने क्या करा, कुछ आर्ग्यूमेंट को, मतलब तीन पैरामीटर थे लेकिन उनमें से दो ही पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू दी है, और ये दोनों पैरामीटर जो है वो राइट मोस्ट है, बिल्कुल राइट साइड में आ रहे हैं इस पैरामीटर लिस्ट के अंदर। अगर सपोज कोई ऐसा कर दे कि ए बराबर 10 कर देता, बी को कोई वैल्यू ही नहीं देता और सी को 20 रखता, ठीक है ना, तो ये यहां पे अब एरर है, क्योंकि जो डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं वो हमेशा राइट मोस्ट होने चाहिए। आइए इसको रन करा के देख लेते हैं हम लोग, एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद में कभी भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये हो गया जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, डिफॉल्ट पैरामीटर है, वो हमेशा राइट मोस्ट होने जरूरी है। ठीक है गाइज, सो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट करके, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, उसमें भी आप अपने डाउट्स को मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।